उस बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 5 क्लास साइंस की यूनिट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें से जो हमारे पास रिप्रोडक्शन इम्प्लांट्स हैं और टॉपिक हमारे पास है स्टेम कटिंग। तो इसमें से हम कुछ ऐसे मेथड्स देखेंगे कि किस तरह से प्लांट के किसी भी पार्ट से हमारे पास जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू होता है। तो सम प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम देयर स्टेम कटिंग, द पीस ऑफ ब्रांच विद अ नोड इज कॉल्ड स्टेम कटिंग। यानी कि हम कोई भी ऐसा एक पीस ले लेते हैं, टुकड़ा ले लेते हैं स्टेम का, जिसमें से एक नोड हमारे पास मौजूद होता है। नोड वो होते हैं जहाँ से न्यू लीव्स या शूट्स वगैरह जो होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी प्लांट का हमने एक स्टेम ले लिया है और उसी स्टेम को, तने को, पीस को हम क्या कर लेते हैं, दूसरी जगह पे गाड़ लेते हैं, ज़मीन पे, गमले पे, और उससे एक न्यू प्लांट ग्रो कर लेता है, प्रोड्यूस कर लेता है। तो एग्जांपल्स हमारे पास है शुगर केन, रोज, चंपा प्लांट और मनी प्लांट्स। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं दिखाने जा रही हूँ। ये हमारे पास क्या है, रोज़ प्लांट है और ये हमारे पास मनी प्लांट है। तो इन दोनों को हम देखते हैं, इसका कोई भी यहाँ से एक लीफ या जो स्टेम होता है वो काट देते हैं, दूसरी जगह ग्रो कर लेते हैं ज़मीन पे, तो इसका एक न्यू प्लांट बन जाता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो मेथड है हमारे पास कि हम लीव से किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके सिर्फ लीफ जो होते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स में ब्रायोफाइलम है और बिगोनिया प्लांट्स हैं, इनके लीव से न्यू प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं। तो अगर उसका कोई भी पत्ता जो होता है वो गिर जाता है किसी ऐसी जगह पे जो मॉइस्ट मॉइस्ट सॉइल हो, यानी कि नमी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर वहाँ से ये क्या कर लेते हैं, न्यू प्लांट जो होते हैं उसी लीव से ग्रो कर लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं तो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, बिगोनिया प्लांट है और ये क्या है हमारे पास, ब्रायोफाइलम लीफ है, यानी कि इससे भी ग्रो कर लेते हैं और बिगोनिया प्लांट जो है इसके भी लीव्स जो होते हैं उसी से न्यू प्लांट ग्रो कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, ग्राफ्टिंग है। तो ग्राफ्टिंग में हम क्या कर लेते हैं, कोई भी पीस जो होता है प्लांट का वो कट कर लेते हैं और उसको किसी दूसरे ऐसे प्लांट में शिफ्ट करा देते हैं जहां, और फिक्स्ड कर देते हैं वहां पर जहां से, और उसमें से भी एक नोड का होना लाजमी होता है। कि नोड का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी न्यू शूट या लीव जो होता है वो नोड से ही ग्रो करता है, तो इसलिए नोड का होना लाजमी होता है और उसको हम किसी दूसरे प्लांट में फिक्स करा देते हैं। और जब वो नोड से न्यू लीफ या जो शूट होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, तो हमने जो भी फिक्स किया होता है उसके अंदर उससे न्यू प्लांट बन जाते हैं, उसी की ग्रोथ हो रही। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। ये हमारे पास पूरा इसका जो मेथड का तरीका है वो बताया गया है इस मेथड का, कि हम किस तरह से ग्राफ्टिंग करते हैं, रिमूव अ हेल्दी बर्ड फ्रॉम अ प्लांट। कि किसी भी हेल्दी जो प्लांट होते हैं उसमें से हम एक बर्ड वाले हिस्से को काट लेते हैं और उसी बर्ड वाले हिस्से को हम क्या कर लेते हैं, किसी दूसरे प्लांट के बाग के अंदर स्लिट्स कर देते हैं, यानी कि टू में तकसीम कर देते हैं। और इसके अलावा जो उसी हम टू फ्लैप्स बना लेते हैं, फ्लैप्स ही आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तीन से होते हैं लिम्बर टाइप, लिम्बर के कवरिंग होते हैं और दोनों आप लोगों को नज़र आए, तो इनके दरमियान हम क्या कर लेते हैं, तो जो नोड हमने कट किया था उसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद उसको मजबूती से बांध देते हैं। और जब भी हमारे पास जो इसमें से कुछ दिनों के बाद न्यू प्लांट जो होते हैं शूट्स पहले ग्रो कर लेते हैं और उन्हीं शूट से क्या बन जाते हैं, एक न्यू प्लांट बन जाता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, इसमें सॉरी सर्कल है, कुछ में करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है हमने। तो पहला क्या है हमारे पास, दी प्रोडक्शन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड। तो इनमें से चार ऑप्शन है, जर्मिनेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। तो इसमें से सब सही वाला कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे न्यू प्लांट्स, कोई भी जो न्यू लिविंग थिंग्स प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। कॉनिफर्स प्रोड्यूस देयर सीड्स इन, तो कॉनिफर्स जो होते हैं वो किस में अपने जो सीड्स होते हैं वो किस में प्रोड्यूस करते हैं, उसके अपने कॉन्स में। उसके अलावा जो बेबी प्लांट इनसाइड सीड इज कॉल्ड, जो वो क्या होता है, सीड के अंदर एक छोटा सा प्लांट टाइप पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। उसके बाद हमारे पास है, जिंजर ग्रोज फ्रॉम अ राइजोम, कि जिंजर है यानी कि जो अदरक होता है वो किससे ग्रो करता है, राइजोम। सो ये राइजोम क्या होते हैं, ये स्टेम टाइप होते हैं और इसी से ही ग्रो करते हैं।
विच पार्ट ऑफ द सीड ग्रोज इन टू रूट, तो जो सीड में से सबसे पहला वाला जो रूट होता है, फर्स्ट रूट होता है, वो रेडिकल वाले हिस्से से ही ग्रो करता है। अ बेबी प्लांट दैट ग्रोज फ्राम अ प्लांट पार्ट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। विच प्लांट ग्रो फ्राम लीव्स, तो बिगोनिया, अभी हमने देखा कि बिगोनिया जो होते हैं वो लीव से ही ग्रो करते हैं। विच प्लांट्स डू नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, के इसमें से तीनों में से हम देखते हैं मॉसेस, लीवर्ट्स एंड फर्न्स, तो ये तीनों क्या है हमारे पास ऐसे हैं जो स्पोर्स से ग्रो करते हैं। कौन सा नहीं करता, तो एप्पल ट्रीज ऐसे होते हैं जो स्पोर्स से ग्रो, क्योंकि उनके क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं। इनके विच प्लांट ग्रो फ्रॉम लीव्स, तो बिगोनिया है। विच प्लांट डू नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, एप्पल ट्रीज। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर है, हाउ डू मॉसेस एंड फर्न्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है कि जो मॉसेस होते हैं या फर्न्स होते हैं वो किसके ज़रिए प्रोड्यूस करते हैं, थ्रू स्पोर्स। तो इसका आंसर क्या है, मॉसेस एंड फर्न्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स थ्रू स्पोर्स। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, के उन प्लांट्स के नाम बताओ, ग्रुप्स के नाम बताओ प्लांट्स के जो प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ बीज से, यानी बीज के जरिए उनका जो नए पौधे होते हैं वो बनते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड कॉनिफर्स। तो ये दोनों क्या है, सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट्स, तो इसका आंसर ये है। उसके बाद है एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ अ सीड, जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर अगर हम देखते हैं पेज नंबर 22 पर, सीड का एक टॉपिक है, उसमें से सीड के हमने सिर्फ तीसरे के आंसर में सिर्फ उसके नाम लिखने हैं कि उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। सीड कोट है जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, उसके बाद हमारे पास एक और पार्ट आ जाता है एम्ब्रियो, जो बेबी प्लांट कहलाता है, सीड के बिल्कुल अंदर होता है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है सीड के अंदर। और उसी एम्ब्रियो के भी दो हिस्से होते हैं, एक हमारे पास होता है रेडिकल और एक होता है प्लोम्यूल। जो रेडिकल होता है उससे फर्स्ट रूट निकलता है, और जो प्लोम्यूल होता है उससे फर्स्ट शूट निकलता है। उसके बाद हमारे पास दो और हिस्से हैं, एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है इसका हिस्सा, तो इसका काम होता है कि ये बेबी प्लांट को, यानी कि जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है, इसको फूड जो होता है ये फ्राहम करता है। और इसी से उसी के अंदर हमारे पास फिर फूड से क्या बन जाते हैं, एम्ब्रियो के अंदर कोटिलीडन्स बन जाते हैं, यानी कि लीव्स टाइप होते हैं। अगर वो एक हो तो उसको अगर वो एक हो तो वो प्लांट मोनोकोटिलीडन कहलाते हैं, और अगर वो दो कोटिलीडन्स हो, यानी कि दो सीड के दो लीव्स बन जाए, तो उसको हम डाइकोटिलीडन्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिफाइन जर्मिनेशन का आ जाता है, और साथ में उनके आल्सो नेम थिंग्स नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, के जर्मिनेशन के लिए क्या ज़रूरी है। तो इसका आंसर हमारे पास है जर्मिनेशन मींस बिगेन टू ग्रो, और इसके लिए ज़रूरी क्या होता है, वाटर, ऑक्सीजन एंड प्रॉपर टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ क्लोन, तो और इसके हमारे पास कुछ क्लोन्स के नाम बताने हैं पार्ट्स के। इसका आंसर है अ क्लोन इज़ अ आइडेंटिकल ट्रीट सिंगल पेरेंट प्लांट के, जो किसी भी प्लांट पेरेंट के उनके जैसे ही जो भी न्यू जनरेशन होते हैं, यानी कि जो रिप्रोड्यूस उन्होंने किया होता है, ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो एक जैसे हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि वो क्लोन है। और इसके कुछ जो नाम लिखने हैं वो कौन कौन से, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, राइजोम्स हैं, बल्ब्स हैं, ट्यूबर्स हैं, और एक हमारे पास क्या है, र्यूमर्स है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग, तो इसका आंसर क्या है, यहाँ ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है, तो बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं, ब्रायोफाइलम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम लीव्स, के वो लीव से ग्रो करते हैं, मॉसेस रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, वो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स प्रोटेक्ट किसकी हिफाजत करते हैं, सीड्स की हिफाजत करते हैं, द प्लोम्यूल ऑफ अ सीड ग्रोज इनटू न्यू शूट, के अभी हमने देखा कि सीड में से जो एक हिस्सा होता है प्लोम्यूल, उससे क्या बनता है, नया तना बनते हैं, शूट्स बनता है। और स्ट्रॉबेरी प्लांट्स आल्सो ग्रो फ्रॉम रूनर्स, के ये किससे ग्रो करते हैं, रूनर से ग्रो करते हैं, रूनर्स उसके लीफ टाइप होते हैं। और जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, एक्सरसाइज करवाया है, मेरे बच्चों से दरख्वास्त है कि वो डेली इसका जो होमवर्क है वो भी साथ साथ किया करें।